चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोदी सरकार 1 करोड़ परिवार को देगी 300 यूनिट फ्री बिजली, परिवार को मिलेगा लाभ। मोदी सरकार ने लॉन्च किया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में चलेगा लू, आने वाले 3 से 4 दिन नहीं होगा बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नीट परीक्षा में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान। सलमान खान के एहसान मंद है शाहरुख खान, अपनी कामयाबी के पीछे बताया खान परिवार का हाथ। फ्लिपकार्ट ठगी करने वाले 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 50 एटीएम, 40 पासबुक हुआ बरामद। शेखपुरा में ट्रांसफॉर्मर हुए ओवरहीट, बिजली विभाग ने ठंडा करने के लिए निकाला अनोखा फॉर्मूला, वीडियो हो रहा वायरल। राजस्थान में बीजेपी सरकार आने के बाद लोगों को नहीं मिल रहा है 100 यूनिट मुफ्त में बिजली, 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री योजना को लेकर अशोक गहलोत ने साधा बीजेपी पर निशाना। पीएम मोदी का ऐलान, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर एलजी से बात, फोर्स की भारी तैनाती। सस्पेंस खत्म, लोकसभा स्पीकर को लेकर 26 जून को होगा चुनाव। यूपी विधानसभा उपचुनाव की 4 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, सपा से मांग सकती है सीटें। वसुंधरा राजे ने मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली में किया मुलाकात, नहीं मिला किसी प्रकार का पद, उसको लेकर है नाराज। चलती बस में महिला को आई उल्टी, खिड़की से निकाला सिर, धड़ से हो गया अलग, आप ना करें इस तरह की गलती। महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी से गठबंधन, तोड़ेगा बीजेपी, रिपोर्ट में हो रहा बड़ा दावा। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल में राष्ट्रगान को किया गया है अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आज से आदेश। राहुल गांधी बर्बादी के जिम्मेदार, कांग्रेस की दुर्दशा पर दया आती, आचार्य प्रमोद का बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव यूपी के कई जिलाधिकारियों से बेहद है नाराज, कहा जिन अफसरों ने हराया उन्हें भूलेंगे नहीं हम। नीट यूजी रोक, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को कहा 1563 उम्मीदवार के ग्रेस मार्क वापस लिया जाए, 23 जून को फिर से होगा परीक्षा। ट्राई के निर्देश के अनुसार 1 से ज्यादा सिम कार्ड रखने पर होगी मुसीबत, ज्यादा ढीली होगी ग्राहक की जेब। वरिष्ठ भाजपा नेता बालकृष्ण आडवाणी से नितिन गडकरी ने किया मुलाकात, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र के 50 विधायकों ने बदला पाला, पलट गई सरकार, एनडीए बीजेपी हो सकता है अलग। कुवैत अग्निकांड में मरने वालों की पहचान आई सामने, लिस्ट में केरल सबसे अधिक नाम। गर्मी बढ़ने से लोगों में हो रहा हार्ट अटैक का बीमारी, कई राज्यों में आ रहा मामला, आप भी रहे अलर्ट, रोजाना पीते रहे लगातार पानी। बकरी से पहले दिल्ली में हो गई बकरों की बड़ी चोरी, आई 20 कार में भर ले गए कई लोगों के बकरे। चादम यात्रा रूट पर लगातार दूसरे दिन सड़क हादसा, बद्रीनाथ हाईवे पर टेम्पो ट्रेवल पलटा, 5 लोग फिर हुए घायल। कुवैत अग्निकांड के बाद पीएम मोदी ने किया हालात की समीक्षा, भारतीयों की सहायता के लिए फॉरेन मंत्री को भेजा। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए नया नियम, अगर आप भी टिकट कटाए हैं और ये गलती करेंगे तो आपको लगेगा जुर्माना, हो जाएगा जेल। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते हैं, आज से लागू हो गया इस तरह का नियम। मुझे गालियां दी, मेरे बारे में बहुत खराब बातें कही, राज्यपाल पर आतिशी के गंभीर आरोप। जाम छलकाना हो गया महंगा, हरियाणा में शराब का कीमत आज से बढ़ा, 5 रुपया से लेकर 20 रुपया अब प्रति बोतल में देना होगा अधिक शराब का कीमत। जम्मू कश्मीर के डोडा में फिर आतंकी हमला, 3 दिन में 4 बार आमने सामने सेना में दहशतगर्दों ने किया हमला, कई लोग हुए घायल, कई लोगों का आतंकी का हुआ मृत्यु।
राजस्थान समेत यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल और कई राज्यों में नहीं पड़ेगा वर्षा, कई राज्यों में चलेगा लू, 7-8 दिन तक नहीं होगा बारिश। सोना फिर 72,000 के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,160 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा। चांदी 800 रुपया बढ़कर 91,300 किलोग्राम पर पहुंचा। निफ्टी ने 23,441 का ऑल टाइम हाई बनाया, इसके बाद 23,322 पर हुआ बंद। सेंसेक्स 149 अंक चढ़कर 76,606 पर हुआ बंद। मई में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.75% हुई, यह 12 महीने के निचले स्तर पर जुलाई 2023 में 4.44% थी। अयोध्या में कई योजनाओं के लिए नहीं तोड़े जाएंगे पुराने मंदिर, 264 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर प्रोजेक्ट भी हो गया निरस्त। बीजेपी का चुनाव जीतने के बाद आरएसएस से हो गया दूरी, मोहन भागवत ने किया बड़ा ऐलान, बोले मोदी सरकार को अहंकारी ना बने, काम करे। बकरी से पहले बकरा बना बुलडोजर, टक्कर से गिराया दीवार, यूजर बोले कुर्बानी के लिए जिगर चाहिए। भरे मंच में अमित शाह ने एक महिला को जोरदार फटकार लगा दी, वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के कई शहर में बुलडोजर ने मचाई तोड़फोड़, अकबरपुर में कई सैकड़ों घरों को जमींदोज किया बुलडोजर ने, अवैध निर्माण बताकर सरकार चला रही बुलडोजर। बाहुबली के कटप्पा ने यूपी बिहार के मजदूरों का उड़ाया मजाक, कहा इन्हें द्रविड़ियन बनाओ, आत्मा सम्मान समझाओ, सनातन मिटाने का भी किया था समर्थन। पेट्रोल पंप पर फोन से आग लगने का लाइव वीडियो आया सामने, मोबाइल इस्तेमाल कितना खतरनाक, अगर आप भी पेट्रोल पंप में करते हैं मोबाइल का इस्तेमाल तो देख ले यह वीडियो। बिना टिकट लोगों की भीड़ से खचाखच भर गई वंदे भारत ट्रेन में, मच गया अफरा तफरी, यात्री ने किया शिकायत तो रेलवे ने मोड़ा मुंह। 400 पार के नारे से हुआ भारी भरकम बीजेपी को नुकसान, सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया चुनावों में कैसे पिछड़ गया बीजेपी का एनडीए सरकार। पिछली बार से ज्यादा आए नंबर, फिर भी रैंक कैसे हो गया कम, नीट परीक्षा के नतीजे से उड़ाई छात्रों की नींद, लगातार नीट परीक्षा के विभाग कर रही है धांधली। मांझी को एमएसएमई, ललन पंचायत पशुपालन, गिरिराज कपड़ा, चिराग खाद्य प्रसारण मंत्री, नित्यानंद सतीश के मंत्रालय, कई दिग्गज नेता को मिले कई अलग अलग विभाग, लेकिन मेन विभाग को बीजेपी ने रखा अपने पास। बद्रीनाथ हाईवे पर फिर बढ़ गई है टेंशन, जोशीमठ में भू धसाव के बाद सड़कों पर आ गया गड्ढा, एक्सीडेंट होने का बढ़ गया है खतरा, जाने वाले हो जाए सावधान। आईफोन से एक टैप में ट्रांसफर होगा अकाउंट में पैसा, कॉल रिकॉर्डिंग और कस्टमाइज होगा स्क्रीन जैसे फीचर्स, सैटेलाइट से एसएमएस भेज सकेंगे यूजर, आईफोन कंपनी जल्द दे सकती है खुशखबरी। 150 रुपए बढ़कर 71,840 रुपए पर पहुंचा सोना, चांदी भी 1200 रुपया का आया गिरावट, 90,500 रुपए प्रति किलो में बिक रहा। एलन मस्क ने एप्पल ओपन एआई पार्टनर का विरोध किया, कहा इसे पर्सनल डेटा सेफ नहीं रहेगा, ऐसा हुआ तो ऑफिस में बैन करेंगे एप्पल के प्रोडक्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बेटा पाया गया दोषी, ड्रग और अवैध हथियार का मामला हुआ दर्ज, हो सकता है जेल। सेंसेक्स 32 अंक नीचे, 76,457 के स्तर पर बंद। रियलिटी और मीडिया के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी, कल बाजार ऑल टाइम हाई बनाया था। मोदी कैबिनेट के गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा, यूपी में सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ टैक्स डिवोल्यूशन हुआ, बिहार के हिस्से में भी आया 14,000 करोड़ रुपया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6.6% रह सकती है भारत की जीडीपी, वर्ल्ड बैंक ने कहा भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज से बढ़ने वाला देश बन रहेगा। खुशखबरी, गैस सिलेंडर धारकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, 300 रुपए सस्ता हो सकता है एलपीजी सिलेंडर, नया सरकार गठन के बाद मोदी सरकार दे सकती है खुशखबरी।
पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की चल रही थी लाइव स्ट्रीमिंग, अचानक पहुंचा एक व्यक्ति, पीएम मोदी की फोटो पर मार दिया लात, पुलिस ने किया उसको अरेस्ट। पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया का टूटा दुखों का पहाड़, एक दिग्गज का हो गया निधन, जिसमें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमूल काले का हो गया है हार्ट अटैक के कारण निधन। केंद्र सरकार ने गर्मी में बिजली बिल को लेकर किया बड़ा ऐलान, आम जनता को मिल गया बड़ा खुशखबरी, जिनका पास है बीपीएल कार्ड उनका आधा बिजली का बिल हो जाएगा माफ। कन्नड़ एक्टर दर्शन युडुडीप्पा को पुलिस हिरासत में लिया, मर्डर केस में जुड़े होने का है आरोप। इंडियन रेलवे केवल 1178 रुपये के खर्च पर भारत गौरव ट्रेन से करे 7 ज्योतिर्लिंगा के दर्शन, IRCTC चला रहा है टूर प्लान। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को तोड़ने के विरोध में सभी लोगों ने किया डिप्टी कलेक्टर के ऑफिस का घेराव और कई गाड़ियों को जलाया, जिसमें 30 से 40 से ज्यादा गाड़ी हो गई जल के खाक, सरकारी संपत्ति का किया गया भारी भरकम नुकसान। अकबरनगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, धार्मिक स्थल का कमरा तोड़े जाने का विरोध, लाठी चार्ज भी हुआ जारी। बंगाल में मैडम को नहीं मिली हिजाब पहनने की अनुमति तो दे दिया इस्तीफा, बंद कर दिया था ड्यूटी आना, कॉलेज प्रबंधन में मचा हड़कंप। 4 साल में 50,000 करोड़ का मुनाफा लेकर घर जा चुके हैं जीरोधा के निवेशक, कंपनी के CEO ने किया बड़ा खुलासा। यूपी में योगी की जगह शिवराज सिंह बन सकते हैं CM, तमिलनाडु BJP अध्यक्ष अन्नामलाई ने को लेकर लेटर जारी किया, मचा खलबली। मोदी कैबिनेट में केंद्र में मोदी की सरकार बनते ही इंडिया में खटपट शुरू, आजसू सांसद मंत्री पद ना मिलने पर खुली चुनौती, चंद्र प्रकाश चौधरी ने दिया बड़ा चुनौती, कर देंगे हम अपना समर्थन वापस। महाराष्ट्र में शिव सैनिकों टाइगर एकजुट हो जाओ, शिवसेना के दोनों गुटों को एक होने की बहस शुरू, दिल्ली में लगा बैनर। अब गाड़ी धीमी चलाई तो घर पहुंचेगा चलान, NHI ने जारी किया नया रूल, 30 से कम स्पीड नहीं चला सकेंगे वाहन। मिर्जापुर 3 का टीजर हो गया लॉन्च, भौकाल मचाने लौट आए कालीन भैया, फिर भी टीजर देख कई लोग हुए नाराज। परिवार के खिलाफ मुस्लिम बॉयफ्रेंड जाकिर इकबाल से शादी रचा रही है सोनाक्षी सिन्हा, भाई लव बोला मेरा कोई लेना देना इसमें नहीं है। जल संकट के बीच दिल्ली के कई इलाके में घंटों से बिजली गुल, आतिशी बोली नेशनल पावर ग्रिड हो गया है फेल। झमाझम बारिश पर दी मौसम विभाग ने खुशखबरी, अगले 2 से 3 दिन के बाद आने वाला है मॉनसून, उत्तरी और पश्चिमी भारत में आएगा 15 जून से मॉनसून। सोना 1,008 रुपया सस्ता हुआ, ये 70,905 में बिक रहा, 1 किलो चांदी 1,952 रुपया पर घटी, इस साल 7,753 रुपया हुआ सोना महंगा। एप्पल लॉन्च करने जा रहा है नया इवेंट, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा अपडेट, आप भी नया ऑपरेटम iOS 18 के साथ AI फीचर लॉन्च कर सकती है कंपनी, मिलेगा एप्पल यूजर को AI फीचर। बिहार में 46 डिग्री गर्मी, ट्रेन में टूट रहे यात्री के दम, बीच बाजार में गिरकर लू से हो गया कई लोगों का मृत्यु। स्लीपर कोच में घुस गई जनरल बोगी की भीड़, परेशान महिला ने लगाई IRCTC से गुहार, नहीं मिला कोई भी मदद। अपने ही शो पर बुलाकर कपिल शर्मा ने उड़ाई मैरी कॉम की खिल्ली, गुस्से में तमतमाती बॉक्सर ने करारा जवाब देकर कर दिया कपिल शर्मा का बोलती बंद।